खबर जांजगीर चांपा से, जहां कलेक्टर यशवंत कुमार ने जिले में लॉकडाउन का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने राहौत, खरोद, शिवरी नारायण और नवागढ़ में स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर यशवंत कुमार और एसपी पारुल माथुर ने शिवरी नारायण पहुंचकर तीनों मुख्य मार्गों में लगे बैरियर पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच की और सभी अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने और निष्ठा के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए। बता दें, वर्तमान में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले में एक सप्ताह यानी 24 से 30 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। काफ़ी अच्छी स्थिति है, सभी जगह पे हमने जो प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला है उसका पालन हो रहा है और यही देखने के लिए, इसी को सुनिश्चित करने के लिए हम दौरे कर रहे हैं लगातार सभी पूरे जिले भर में और ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोग ऐसे तो नहीं निकल रहे हैं और जो लोग भी इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती भी बरत रहे हैं हम, फाइन भी उनको किया जा रहा है। तो यहाँ भी देखने को मिला है कि काफ़ी बड़ी संख्या में फ़ाइन किया जा रहा है, एक दिन में 80-80 लोगों पे फ़ाइन ऑलरेडी किया जा चुका है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ये लोगों के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी जान से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें सख्ती बरतनी ज़रूरी है। मेरी लोगों से यही अपील है कि जब तक बहुत अति आवश्यक ना हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, तब तक वो घरों से बाहर ना निकलें। सारे शहरी क्षेत्रों में उनके घरों के पास ही सब्जी दुकान, राशन दुकान सभी की व्यवस्था की गई है, तो वहीं से राशन और सब्जी लेकर के, जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं वो लेकर के और घरों में, अपने घरों में बने रहें। जब तक बहुत और हेल्थ इमरजेंसी या कोई और इमरजेंसी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। मेरी यह विनम्र अपील है आपसे, इससे न सिर्फ आप अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर पाएंगे बल्कि आप अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे, अपने जिले की सुरक्षा कर पाएंगे, लोगों को, सभी लोगों को सुरक्षित रखें।